मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को धौंस दिखाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति हंगामा करते हुए देखा गया था, जो अपने आप को सीएम शिवराज सिंह का जीजा और सीएम को अपना साला बता रहा था। मध्य प्रदेश का मुखिया चौहान क्या हुआ? हर कोई चौहान अपनी दादागिरी बताने में लगा हुआ है। रायसेन के मंडदीप में चौहान समाज के 59 वर्षीय आरोपी शिक्षक पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। दरअसल रायसेन मंडदीप के पटेल नगर के शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा के साथ स्कूल के उच्च श्रेणी के शिक्षक छोटेलाल चौहान पर यह आरोप है कि उसने अकेले में स्कूल में छात्रा से अश्लील बातें और छेड़खानी की। शिक्षक पर छेड़खानी और अश्लील बातें करने का आरोप है। उसका नाम छोटेलाल चौहान है, जिसकी उम्र लगभग 59 साल है। छात्रा ने घटना की सारी बात घर में बताई तो परिजन बच्ची को साथ लेकर स्कूल पहुंचे और स्कूल के समस्त स्टाफ से शिक्षक के द्वारा छात्रा से की गई अश्लील हरकत के बारे में बताया। वहीं माध्यमिक शाला की प्रभारी राजकुमारी अग्रवाल ने शिक्षक की हरकत पर नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें, यह शिक्षक अपने आप को सीएम शिवराज सिंह चौहान का जीजा बताते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख के कारण ये मामला थाने तक नहीं पहुंचने दिया गया और स्कूल में ही मामले को रफा दफा करवा दिया गया। अब देखना यह है कि मीडिया में इस पूरे मामले के आने के बाद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस आरोपी शिक्षक पर क्या कार्रवाई करते हैं। सर का नाम श्रीमान छोटेलाल चौहान था और उन्होंने ना मुझसे गंदी हरकत में बात की थी और स्कूल में अकेले में की थी उन्होंने ऐसे बात। अकेले बुला के क्या बोला? क्या बोला? कि आरती केला खाओ। फिर आपने किसको बोला, किसको बताया आपने? फिर मैंने मेरे मम्मी जी को बताया और फिर मम्मी जी स्कूल में आई थी। फिर माफ़ी वगैरह क्या था ना, बोलते जाओ। फिर सर से ना सबको ने कहा था मेरी मम्मी ने क्या अब ऐसी हरकत अब न करना, नहीं तो तुम समझ लेना आगे चल कर क्या होगा। फिर उन्होंने कहा हाँ आगे चल कर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं होगा। माफी इतना ही कहा था और मुझसे माफ़ी मांगती थी। कब की बात है? 15 अगस्त के लगभग पहले। हमारे स्कूल की छात्रा शासकीय कन्या माध्यमिक शाला मंडीदीप ये 8th क्लास में पढ़ती है। अचानक एक दिन बच्ची से सर के द्वारा छोटेलाल चौहान के द्वारा कुछ बात कही गई। क्या बात कही गई? लेकिन वो छात्रा, ये बात मुझे तो नहीं पता थी, मुझे छात्रा के द्वारा और उनके पेरेंट्स के द्वारा पता चली। मैंने छोटेलाल सर को अपने कक्ष में बुलाया और उनको उनसे बात पूछी, तब उन्होंने ये बात स्वीकार भी की और मेरे द्वारा छोटेलाल सर को उसी दिन सारे स्टाफ के समक्ष एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें आगे से इस तरह की हरकत ना करें और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर आप ऐसे नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह से बच्चों के साथ छेड़खानी करें या इस टाइप से करेंगे तो आपको प्राचार्य को अवगत कराया जाएगा। लेकिन मैंने तुरंत ही थोड़े दिन बाद प्राचार्य को भी अवगत करा दिया गया है मेरे द्वारा और सर को भी। पुलिस में कोई शिकायत नहीं? पुलिस में तो कोई शिकायत नहीं की मैंने, क्योंकि उनके द्वारा छोटेलाल सर के द्वारा बच्ची से माफ़ी मांग ली गई थी, तो मेरे द्वारा बस नोटिस ही दिया गया।